जय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अपने इस क्लास जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस सीरीज को, जो कि क्लास 10th का हमारा चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे, जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में। तो हमारा पहला चैप्टर क्या है दोस्तों? पहला चैप्टर हमारा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो इसमें रिसोर्सेज जैसे आपके कौन कौन से जो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, जो उसमें आपके नॉन नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, उसका आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उसका आप यूज करते हैं, वो सारा कुछ इस चैप्टर में हम देखेंगे। प्लस उसके साथ साथ जो आपका ये रिसोर्सेज आखिर में यूज क्यों होता है, रिसोर्सेज हमारा जो यूज होता है वो क्यों होता है, डेवलपमेंट के लिए होता है, तो उसके भी एस्पेक्ट को हम जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। देखिए आइए हम देखते हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। तो दोस्तों पहले ये क्वेश्चन ही राइज यहाँ पे स्टार्ट होता है एनसीईआरटी में, जो कि दिया हुआ है, कैन यू आइडेंटिफाई द नेम एंड वेरियस आइटम यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन योर विलेज एंड टाउन, लिस्ट द आइटम एंड नेम ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग इन देयर मेकिंग। तो ये पहले ही क्वेश्चन तुरंत पहले पूछा है क्या कि आप अपने जहां पे आप गांव में रह रहे हो या जिस आप कस्बे में रह रहे हो, वहां पे जो भी कंफर्टेबल आइटम्स हैं जो आपको यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, जैसे आप रिसोर्सेज आपका गाँव में आप अधिकतर देखोगे रिवर हो गए, वो भी आपके क्या है, रिसोर्सेज हैं। आपके जो ट्री हैं वो भी क्या है, रिसोर्सेज हैं। जो आपके लैंड है वो भी रिसोर्स है। ऐसे तमाम कई सारे रिसोर्सेज हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और नॉन नेचुरल या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में आप कह सकते हैं। आर्टिफिशियल में जैसे रिसोर्स आपके जितने भी गैजेट हो गए दोस्तों, वो क्या आते हैं, वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में आते हैं। तो जितने भी सारे भी आप जो भी चीज़ यूज कर रहे हो, जैसे मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो यहाँ पे माइक जो यूज कर रहा हूँ वो भी क्या एक प्रकार का हमारा रिसोर्सेज ही है दोस्तों, जो हमारे हमारे लाइफ को क्या कर रहा है, कंफर्टेबल बना रहा है। या जो आपका फैन हो गया, आप बैठे होंगे वहां पे, फैन भी क्या कर रहा है, हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बना रहा है। तो आखिर में कहीं ना कहीं उसका रूट क्या है, हमारा रूट उसका है क्या, रिसोर्सेज ही उसका रूट है। और जब रिसोर्सेज हमारे क्या होंगे, इनरिच रिसोर्सेज होंगे, तब हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट भी काफी तेज होगा। तो वही चीज यहाँ पे हमारा कह रहा है पहले ही टॉपिक में कि एवरीथिंग अवेलेबल, जितने भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी चीज़ अवेलेबल हैं, अगर हमको उसको क्या करना हो, वो हमारे जितने भी चीज़ इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं वो हमारे नीड्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। और जितने भी सारे चीज़ हैं उनको हमारे रिसोर्सेज, आखिर में आप किसे बोलेंगे, रिसोर्सेज आप उसे बोलेंगे जो टेक्निकली एसेसेबल हो, मतलब टेक्निकली आपके लिए क्या हो, एसेसेबल, आपके लिए वायबल हो, आप उसे एसेस कर सकते हो टेक्निकली, जो भी टेक्निकल होंगे उसको आप क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। प्लस इकोनॉमिकली हमारा क्या होगा, वो फिजिबल होगा। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब क्या है, कि आप उसको खरीद सके या आप उसको ले सके। प्लस उसके साथ साथ कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब क्या है दोस्तों, एक्सेप्टेंस, कि आपके जो आप जो भी आप कल्चर में रहते हो, जो भी आपका एथोस है वो क्या हो, उससे एक्सेप्ट हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं दोस्तों। तो रिसोर्स आपका क्या क्या आया, रिसोर्स आपका एक तीन, आपका जो भी आपके नीड्स को क्या कर रहा हो, फुलफिल कर रहा हो, या तो वो टेक्निकल हो, या तो आपका क्या हो, वो इकोनॉमिकल हो, या आपका कल्चर एस्पेक्ट हो। टेक्निकल हमारे क्या होने चाहिए, एसेसेबल होने चाहिए, इकोनॉमिकल हमारे क्या होने चाहिए, फिजिबल होने चाहिए, प्लस कल्चरली जो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो ये डायग्राम भी देख सकते हैं कैसे हमारा जो इंटरडिपेंडेंस है, हमारा इंटर ह्यूमन बींग आखिर में क्या है दोस्तों, ह्यूमन बींग आपस में क्या है, आपस में इंटरडिपेंडेंट है। देखिए जैसे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो हम लोग नेचर यूज करते हैं, वो भी हमारा आखिर में क्या है, वो भी हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है। प्लस टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। प्लस इंस्टीट्यूशन जो है दोस्तों, जितने सारे इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए उस पर भी हम, तो रिलेशनशिप हमारा क्या हो, उसके ऊपर भी डिपेंडेंस है। तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं अपने रिसोर्स वाले टॉपिक में। फिर उसके बाद बताया गया है दोस्तों क्या, कि ऐसे कोई जो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस, जो कोई भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी हमारे प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, प्लस उसके साथ साथ हमारे क्या है, कोई भी ऐसे जो ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज दैट आप एग्जांपल लीजिए कोल का,
कोल आखिर में क्या कर रहा है, कोल आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं, आपके लिए कोल को प्रोड्यूस करने या के कोल का प्रोडक्शन करने के लिए आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप टेक्निकल कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, माइंस यूज करते हो वहाँ पे, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरत है। प्लस टेक्नोलॉजी के साथ साथ दोस्तों क्या है, हम वो चीज़ें कोल कहाँ से ले रहे हैं, कोल तो हम इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या है, पहले तो हमारा ये प्राइमरी फैक्टर है कि इन्वायरमेंट में कोल प्रेजेंट होना चाहिए, फिर उसको जो एसेस करना यानी उसको हम क्या करना है माइंड करना, तो वो भी हमारा क्या है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है। प्लस उसके साथ साथ उसके उसको क्या उसके प्रोसेस को ट्रांसफर करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, उसका जो हमारा क्या है ट्रांजेक्शन करने के लिए या आप उसको सेल करने के लिए आप क्या बनाओगे, एक इंस्टीट्यूशन बनाओगे, वो भी जरूरत है। तो इसी के सारे टर्म को हम क्या कहते हैं, इसी हम सारे टर्म को क्या कहेंगे, रिसोर्सेज, जिसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, जिसमें हमारा इंट्रैक्शन है किसके बीच में, नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में और इंस्टीट्यूशन के बीच में, ये सारे वायबल जो रिजल्ट हैं दोस्तों वो हमारे किसके अंदर आते हैं, रिसोर्सेस के अंदर आते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हो अगर मान लो रिसोर्सेज अगर फ्री होंगे, आपस में क्या होंगे अवेलेबल होंगे, लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ जितना भी आप चाहे उतना यूज कर सकते हो, क्या आप ऐसा सोचते हो? लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आज के समय आप देख रहे हो क्या हो, कई सारे हमारे ग्लोबल वार्मिंग आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज आ रहा है दोस्तों, तो उसके कारण आप क्या कह सकते हो कि रिसोर्सेस कहीं ना कहीं हमारे क्या हो रहे हैं, ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं हमारे जो रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइज होने के कारण क्या हो रहे हैं, ओवर यूटिलाइज होने के कारण हमको कई सारे चेंजेस नजर आ रहे हैं जो कि सस्टेनेबल नहीं है दोस्तों। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो हमारे नेचर में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो फ्री में नहीं है, वो हमारा एक उसका भी लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है दोस्तों। तो उस हमको ह्यूमन का नीड्स भी फुलफिल करना है, प्लस रिसोर्सेज भी हमारे पास क्या है लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज क्या है, कोई भी जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज के जितने भी फंक्शन है वो सारे इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं, रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड होते हैं, और ह्यूमन बीइंग एक इसेंशियल कंपोनेंट है इस रिसोर्सेज का दोस्तों, कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसे उसको यूटिलाइज कर रहा है, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जो भी मटेरियल अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करके रिसोर्स में बदल रहा है और उसको हम यूज कर रहे हैं, वही चीज हमारा क्या है, वही उसी ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रिसोर्स मैनेजमेंट बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट। अब रिसोर्सेज हमारे क्लासिफाइड हैं, मेनली जो रिसोर्सेज हमारे क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आप देख सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक है। एग्जास्टिबल मतलब क्या होता है कि आपका एक बार यूज करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाना या तो उसको दोबारा यूज करना, उसके बेसिस पे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे क्या है, इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल है एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अगर स्टेटस का बात करें तो पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व, ये सारे हमारे क्या है स्टेटस के बेसिस पे जो हमारे क्या रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन है। ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, दो रिसोर्सेज हमारे दो टाइप में है। नेचुरल में हमारे क्या है कौन कौन से, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में हमारे क्या है जो बायोलॉजिकल हो गए, जिसमें हमारे नेचुरल वेस्टेज आते हैं, नेचुरल वेजिटेशन वाले आते हैं, प्लस वाइल्ड लाइफ हो गए, और उसके साथ साथ कंटिन्यूअस और फ्लो ऑफ, जैसे हमारे कंटिन्यूअस और फ्लो में क्या आता है, विंड आता है। इसमें क्या होता है कि हम जो हम विंड यहाँ पे हम कैसे यूज करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे विंड जो हमारा बह रहा है वहाँ पे विंड टरबाइन लगा के दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो हम भी हमारा क्या है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। वहीं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो वो हमारे कौन कौन से हैं, एक तो रिसाइकल और जो हमारे रिसाइकलेबल हैं वापस से हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे मेटल हो गया, आप कोई भी जैसे आप यूज करते हो गैजेट, वो हमारा क्या होता है उसको आप कबाड़ी के पास क्या करते हो उसको सेल कर देते हो, तो हमारा क्या हो गया रिसाइकल हो गया। और नॉन रिसाइकल हो गया जो जैसे आप वहाँ पे क्या करते हो, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपका, ये आपका नॉन रिसाइकलेबल है। वहीं ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे क्या है दो टाइप में डिवाइड है, ह्यूमन रिसोर्सेज में हमारा एक तो स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन रिसोर्सेज है और दूसरा हमारा क्वान्टिटी एंड क्वालिटी टाइप भी रिसोर्सेज हमारा है। ये दो, इसके दो डिवीजन है, तो आप भूलिएगा मत कि रिसोर्सेज हमारे दो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, और इनके अंदर भी हमारा क्लासिफिकेशन है दोस्तों। आखिर में अब बात करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक जो आता है इसी के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, क्या डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कैसे हमारे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हुआ दोस्तों। तो आपको पता है कि रिसोर्सेज हमारे क्या है, रिसोर्सेज तो हमारे लिमिटेड है, लेकिन हमारा डिमांड क्या है,
हमारा डिमांड काफी हद तक ज्यादा है। गांधी जी इसीलिए बोले थे कि हम नीडी पर्सन का फुलफिलमेंट कर ले, लेकिन ग्रीडी पर्सन का हम फुलफिलमेंट नहीं कर पाएंगे। यानी क्या है, डेवलपमेंट कैसे रिसोर्सेज का यहाँ पे हुआ, जैसे जैसे ह्यूमन अपने जो ह्यूमन है वो क्या कर रहा था, वो जैसे जैसे अपने इन्वायरमेंट में रह रहा था, कैसे वो सर्वाइव कर रहा था, कैसे वो अपने लाइफ को, जो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको मेंटेन कर रहा था, तो उसके लिए क्या है, उसे कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही थी। वो बिलीव कर रहा था, उस पहले तो शुरू में लोग सोच रहे थे क्या कि रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है वो फ्री है, में है, जितना चाहे उतना यूज कर लें। लेकिन उसके कारण कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम देखने को मिलता है, कैसे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी क्या, लोगों को अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के चक्कर में लोग रिसोर्सेज का फ्रीली एकदम अनएग्जॉस्टेबल अनलिमिटेड 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 यूज कर रहे थे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमको इनडिस्क्रिमिनेटली प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल पहला क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, कि कैसे हम जो हमारे ग्रीडी पीपल हैं, जो ग्रीडी हैं इंडिविजुअल, उनके फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हैं। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों कुछ लोग रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज का एक्यूमुलेट करके अपने पास रख रहे हैं। इसीलिए हमको कहीं ना कहीं सोसाइटी में दो हमको टाइप के लोग मिलते हैं, एक तो हैव्स हो गए और एक हमारे हैव्स नॉट दोस्तों, ये हमको देखने को मिलता है। प्लस उसके साथ साथ हमारे जो अवर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयट होने के कारण कहीं ना कहीं हमको ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी देखने को मिलता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन। ये कई सारे हमको क्या देखने को एस्पेक्ट मिलते हैं कि कैसे जो रिसोर्सेज का हम यूज कर रहे हैं वो भी हमारे लिए क्या है, कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए लिमिटेड है। तो उसको रिसोर्सेज को यूज हमें एकदम अच्छे तरीके से एफिशियंट वे में करना चाहिए, एफिशियंट वे में करना चाहिए, इफेक्टिव वे में करना चाहिए दोस्तों, और इकोनॉमिकली वे में हमको करना चाहिए, जो कि तीनों वे में हमारा सस्टेनेबल हो। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमारे क्या, अगर हम एक अगर रिसोर्सेज को सही तरीके से अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बना रहेगा, प्लस ग्लोबल पीस भी हमारा बना रहेगा। आज के समय कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रिसोर्सेज का डिप्लीट करते जा रहे हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर जो हमारा फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट है वो कहीं ना कहीं क्या होते जा रहा है, वो हमारा डेंजर होते जा रहा है। इसीलिए हमको क्या जरूरत है दोस्तों, इन सारे जो रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन को हमको टैकल करने के लिए जो हमारा एक मेन मुद्दा हम लाए हैं वो हमारा क्या है, रिसोर्स प्लानिंग दोस्तों। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमको रिसोर्सेज को ऐसे वे में प्लान करना चाहिए जिससे हमारा जो फ्यूचर कंपोनेंट है, जो हमारा फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट है, वो क्या हो, हमारा डेंजर में ना हो। इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे, रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। यानी इसीलिए हमको रिसोर्स प्लानिंग करने की काफी हद तक जरूरत है, और जब हमारा सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन होगा वो भी काफी हमारा एग्जिस्टेंस होगा। इसीलिए सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ ऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारा जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। अब बात करते हैं आखिर में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो ऐसा डेवलपमेंट है जो बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए हुए वो डेवलप हो। और आज के समय हम सस्टेनेबल इसलिए यूज कर रहे हैं, जो हम ऐसे डेवलपमेंट करें जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, प्लस उसके साथ साथ जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है दोस्तों, जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उसको भी कंप्रोमाइज नहीं करना पड़े, उसको भी क्या, उसको भी हमारा प्रॉफिट मिले, बल्कि उसको भी हार्म ना करना पड़े। इसी को हम टर्म को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी क्या, इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, प्लस हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े दोस्तों। ये टर्म जो रियल, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा लिया गया था कहाँ से, हमारा ये लिया गया था रियो डी जेनेरियोस अर्थ समिट हुआ था, जो कि जिसमें 100 से ज़्यादा स्टेट वहाँ पे आए थे। रियो डी जेनेरियो हमारा ब्राज़ील में है, और पहले इंटरनेशनल अर्थ समिट इसके बारे में चर्चा कर रहा था, इसके बारे में बात कर रहा था कि कैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करें, कैसे हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पर बढ़े, कैसे हम अपने जो हमारा इन्वायरमेंटल जो हमारे कई सारे इशू हैं उनको कैसे टैकल करें। तो वहीं पर हमारा एक साइन
हुआ था क्या, डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वहाँ पे हमारा एक लीडर, हमारा असेंबल लीडर ने, सब जितने भी लीडर थे उन्होंने साइन किया, और उन्होंने इंडोर्स वहाँ पे किया क्या कि एजेंडा, हमारा जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल होगा वो हमारा एजेंडा 21 अडॉप्ट करेगा, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा दोस्तों। अब रही बात एजेंडा 21 है क्या, एजेंडा 21 हमारा क्या है, एजेंडा 21 जो कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में हमने देखा, वहां पे क्या हुआ, वहां पे हमारा ए जो भी हमारे रियो डी जेनेरियो में एक हमारा यूएनसीईडी करके हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, वहां पे साइन हुआ जो कि ब्राजील में है, और वो हमारा क्या किया, फोकस किया कि हमारा जो एजेंडा होगा वो हमारे इन्वायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस करेगा, पावर्टी को रिड्यूस करेगा, जो हमारे ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू जो कॉमन डिजीजेज हैं जो उनको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, प्लस हमारे जो मैचुअल नीड्स से उनको इंक्रीज करें, प्लस उसके साथ साथ हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि एजेंडा 21 जो कि लोकल लेवल पे भी अपना एक गवर्नमेंट को क्या करना, उसे फॉलो करना होगा, और जो लोकल लेवल पे हैं उन्हें भी ये एजेंडा अपने तरीके से हिसाब से बनाना है दोस्तों। तो ये हमारा क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। फिर उसके बाद बात करें रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है दोस्तों, प्लानिंग हमको पता है क्या होता है कि कैसे जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनका हम रिसोर्सेस को जुडिशियस वे में यूज करें, जुडिशियस वे में यानी क्या कह सकते हैं कि हम उसको रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करें कि हमारा क्या हो, एक्सप्लॉयट क्या हो, एक्सप्लॉयट हमारा रिसोर्सेज वो कम हो दोस्तों। तो यही चीज़ हमारा क्या है कि प्लानिंग, रिसोर्स का हमको प्लानिंग करना है, जैसे हमारे कई सारे ये रिसोर्स प्लानिंग का जरूरत हमारे इंडिया जैसे कंट्री में भी है कि कैसे जो हमारे, क्योंकि इंडिया में क्या है कई सारे अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उनके उनके जो हमारे डाइवर्सिटी हैं, उनके जो क्वालिटी है, उनके क्वान्टिटी है क्या है, वास्ट अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हमको इस अपने इंडिया रिच कंट्री को हमको इस तरीके से यूज करना है कि जिससे हमारा क्या हो, हमारा इससे हमारा इन्वायरमेंटल हार्म ना हो, प्लस हमारा जो रिसोर्सेज हो उनका एक्सप्लॉटेशन ना हो। तो इसीलिए हमारा कहीं ना कहीं हमें जरूरत है क्या, रिसोर्स प्लानिंग का। देयर आर सम रीजन विच आर कंसिडर्ड सेल्फ सफिशियंट इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इंडिया में हमको पता है कई सारे, इंडिया में वास्ट डाइवर्सिटी है, वहां पे कुछ तो ऐसे स्टेट हैं जहां पे सेल्फ सफिशियंट है प्लस सरप्लस उनके पास रिसोर्सेज हैं, और कुछ स्टेट ऐसे भी हैं इंडिया में जो एक्यूट शॉर्टेज है, वहां पे शॉर्टेज है, अभी भी रिसोर्सेज अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में भी दिया है, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो गए, ये रिच हैं, ये किसमें, मिनरल में, कोल डिपॉजिट में। वहीं अरुणाचल प्रदेश हमारा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश जिसके पास एमंडेंस ऑफ वाटर है लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। वहीं राजस्थान का बात करें जहाँ पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी काफी तक अमाउंट में प्रेजेंट है, एनर्जी काफी हद तक अवेलेबल है लेकिन वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज नहीं है। वहीं लद्दाख का बात करें, लद्दाख में भी क्या है दोस्तों, वहाँ पे कल्चर हेरिटेज साइट है, कई सारे रिच कल्चर हेरिटेज है लेकिन वहाँ पे वाटर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ मिनरल्स नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए हमको क्या करना है, इन सारे रीजन जो हैं दोस्तों, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी में रिसोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, तो उनको हमको क्या करना है, उनको हमको रिसोर्सेज को क्या करना है, एक सही तरीके से यूज करना है, एक एफिशिएंट तरीके से यूज करना है, जिससे हमारा क्या हो कि हमारे जो नेशनल लेवल हो गए, स्टेट लेवल हो गए, रीजनल लेवल हो गए, लोकल लेवल हो गए, ये हर एक लेवल पे क्या हो दोस्तों, वहाँ पे रिसोर्सेज पहुंचे और वहां पे सारे को हमारे क्या मिले, एफिशिएंट वे में उसे हम यूज कर सके। फिर उसके बाद क्या बोला है कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे हम कर सकते हैं, तो रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है दोस्तों। पहले उसमें हमारे क्या है, उसके हमारे चार प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस क्या है हमारा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन में हमारे जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, जो भी जिस रीजन के अनुसार, जैसे हमने देखा कि मध्य प्रदेश, झारखंड, यहाँ पे ज़्यादा रिच मिनरल्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे हमको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई और इन्वेंट्री मेथड अपनाना होगा कि हम इन्वेंट करें कौन कौन से रिसोर्सेस प्रेजेंट हैं जिसके अंदर हमारे क्या होंगे, सर्वेइंग इन्वॉल्व होंगे, मैपिंग होंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होंगे, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे क्या होंगे, मेजर करने में कि कितना रिसोर्सेस कितना अमाउंट में वहां पे प्रेजेंट है और कौन सा रिसोर्सेस प्रेजेंट है, वो सारा कुछ पहले हम आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे उसको, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक
प्लानिंग बनाएंगे, एक प्लान स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि इस तरीके से बनाएंगे कि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, जो स्किल है, जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे हम सेटअप करेंगे कि कैसे जो रिसोर्स हमारे डेवलप हो रहे हैं उनको कैसे हम सही तरीके से यूज कर सकें। प्लस उसके साथ साथ तीसरा हमारा प्रोसेस क्या है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। और जो भी हमारे रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, जो भी हमारे डेवलपमेंट प्लान करने में हेल्प करेंगे, वो सारे रिसोर्सेज क्या हैं दोस्तों, हमारे नेशनल को डेवलपमेंट करने में हेल्प करेंगे। और हमको पता है कि इंडिया क्या, आज इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही काफ़ी हद तक एफर्ट कर रहा है, काफ़ी हद तक कि जो जो हमारे रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, जिस रीजन में प्रेजेंट हैं, उन रिसोर्सेज को हम क्या करें, एफिशियंट वे में यूज करें दोस्तों। तो हमारा रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हमने क्या देखा, पहला आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या है, उस स्ट्रक्चर को मैच कराएंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज प्लान डेवलपमेंट हमारे अंदर प्रेजेंट है नेशनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर। ये सारे कुछ को हम क्या करेंगे, ये तीन मेजर्स है जो इंडिया के द्वारा टेकन किया गया है, कौन कौन सा, आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग स्ट्रक्चर और मैचिंग दोस्तों। फिर उसके बाद हम बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा है कि हमको कैन यू नेम सम रिसोर्सेज, आप बता सकते हैं कि किस रीजन में कौन सा रिसोर्सेज है, आप अपने असाइनमेंट के तरीके से भी कर सकते हैं। अगर बात करें कुछ हिस्ट्री का, तो हमारा इंडिया जो था वहाँ पे रिच रिसोर्सेज प्रेजेंट थे, जो कहीं ना कहीं हमारे कॉलोनीज को, जो हमारे कॉलोनाइजेशन है उनको क्या करता था, वो अट्रैक्ट करता था, फॉरेन इन्वेडर को अट्रैक्ट करता था कि कैसे हमारे जो हम अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो कई सारे कॉलोनी जो हमारे कॉलोनाइजिंग कंट्री हैं वो डेवलप हुए किसके द्वारा, केवल हमारे रिसोर्सेज को क्या करके, एक्सप्लॉयट करके। कहीं ना कहीं उसके वजह से क्या है, कहीं ना कहीं जो कॉलोनीज हैं वो कई सारे डेवलप हो गए, ब्रिटिश कॉलोनीज आई हमारे, हमको पता होगा कि कैसे हमारे रिसोर्सेज को क्या किए, इफ रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट किए और अपने रिसोर्सेज को डेवलप किए दोस्तों। तो ये कई सारे डिफरेंट डिफरेंट फेजेज हैं जो कॉलोनाइजेशन के, जो इंडिया में, जो हमारा, जो भी इंडिया के डेवलपमेंट को हैम्पर कहीं ना कहीं हमको किया है दोस्तों, चाहे वो टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के एस्पेक्ट में हो, चाहे वो पीपल के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के बारे में हो। प्लस उसके साथ साथ हम कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आखिर में हमारा कैसे हो सकता है, कंजर्वेशन यानी क्या, प्रोटेक्ट करना। तो रिसोर्सेज, हमको पता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, एक हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटी में वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर हम रिसोर्सेज का इरेशनल यूज करने लगे, ओवर यूटिलाइजेशन करने लगे, तो कहीं ना कहीं उसके वजह से हमारा सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है। इसको ओवरकम करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप करना होगा। वहीं एक फेमस थिंकर गांधी जी हमारे, वो बताए हैं क्या कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स बट नॉट फॉर बॉडीज ग्रीड। हमारे पास जो नीड को फुलफिल करने के लिए इतना रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन ग्रीड को यानी लालच को आप क्या कर सकते हैं, कितना भी रिसोर्सेज दे दें लेकिन वो क्या होगा, फुलफिल नहीं होगा। ही प्लेस द ग्रीड एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज अ रूट कॉज ऑफ द रिसोर्स डिप्लेशन एट ग्लोबल लेवल। और ग्लोबल लेवल पर वो बताएं कि कैसे हमारे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस हिज प्रोडक्शन बाई मासेज। और वो क्या थे, वो मास प्रोडक्शन के क्या थे, वो विपक्ष में थे, क्या आप कह सकते हैं कि मास प्रोडक्शन के वो अगेंस्ट में थे, वो चाहते थे कि जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो मासेज से होना चाहिए, न कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा क्या होना चाहिए, मास प्रोडक्शन होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं दोस्तों वो भी एक्सप्लॉयट होने लगेंगे। अगर मास प्रोडक्शन होगा तो उसके कारण जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे क्या होंगे, वो हमारे एक्सप्लॉयट होने लगेंगे। अब वहीं पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे एक क्लब ऑफ द रोम है, जो दोस्तों क्लब ऑफ द रोम है, वहां पे क्या किया गया, वहां पे भी इस गांधीयन फिलोसफी को रखा गया। किसके द्वारा, स्कम माचर के द्वारा, जो कि उनका एक बुक था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उनका एक कंट्रीब्यूशन था कि कैसे हम रिसोर्सेज को कंजर्व करें ग्लोबल लेवल पे। उन्होंने ब्रुनलैंड कमीशन रिपोर्ट भी 1987 में उन्होंने बनाया, और वहां पे उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट पब्लिश किया
जो वहां पे एक टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वहीं से हमारा ब्रूडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 से ही हमारा क्या आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया। वहां पे उसका मतलब था कि हमारा जो भी रिसोर्सेज आप यूज करें, आप वहां पे अपने फ्यूचर को क्या करें, देखते हुए चलें। और यही चीज हमारा कंट्रीब्यूशन था किसमें, रियो डी जेनेरियो में 1992 में दोस्तों। तो ये एक स्मॉल बुक में, अवर कॉमन फ्यूचर बुक में ये पब्लिश किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोस्तों। अगर हम बात करें अब लैंड रिसोर्सेज, हमने रिसोर्सेज के बारे में यू बात किया, कई सारे रिसोर्सेज बारे बात किया, लेकिन अब बात करें हम लैंड रिसोर्सेज का, तो लैंड रिसोर्सेज आपको जैसे यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, लैंड रिसोर्सेज इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफी हद तक इम्पॉर्टेंट उसका रोल होता है, क्योंकि जितने भी अधिकतर जितने भी हमारे ह्यूमन के नीड्स होते हैं वो हमारे इसी लैंड रिसोर्सेज के द्वारा ही फुलफिल होते हैं दोस्तों। तो लैंड को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज करते हैं, चाहे वो वेजिटेशन हो, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, चाहे वो एनिमल लाइफ हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो दोस्तों, चाहे वो कोई भी एक्टिविटीज हो, वो हमारे किसके द्वारा होते हैं, लैंड रिसोर्सेज के द्वारा होते हैं। लैंड हमारा क्या, एक तरीके का एसेट है जो कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे जो फुलफिल नीड्स को करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है कि लैंड अंडर रिलीफ फीचर्स कौन कौन से हैं, 43% लैंड है हमारे, जो 30% माउंटेन है, और 27% हमारे प्लेट्यू है यानी पठार है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने देखा वही चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा है 43% हमारे लैंड एरिया जो कि किसके द्वारा प्लेन है, 30% माउंटेन है, 27% हमारे प्लेट्यू है। अब लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे लैंड रिसोर्सेज हैं आखिर में कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। तो पहला हमारा क्या है, फॉरेस्ट में यूज हो रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ हमारे लैंड हमारा जो है ऐसा भी लैंड है जो कि कल्टिवेशन के लिए नहीं है, जो सिंचाई के लिए नहीं है। उसमें कौन कौन से आते हैं, हमारे बैरेन या वेस्ट लैंड आते हैं, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज जैसे बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज, जहाँ पे आपका घर बना है वो भी हमारा क्या है, लैंड ही पे बना है जो कि कल्टीवेशन लैंड नहीं है। कुछ अदर नॉन अनकल्टीवेटेड लैंड जिसके अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे परमानेंट पास्चर या ग्रेजिंग लैंड हो गए जो बस ग्रेजिंग के लिए काम आते हैं, कुछ ऐसे भी लैंड जो कि हमारे क्या है नेट सोन एरिया के अंदर नहीं आते हैं, और कुछ ऐसे भी लैंड जो कि कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, इसका मतलब वहाँ पे 5 साल से अधिक तक वहां पे कोई भी कल्टीवेशन हुआ ही नहीं है, उसको छोड़ दिया गया है, वो भी हमारे क्या आते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन में आते हैं। प्लस उसके साथ साथ फॉलो लैंड, फॉलो लैंड में कौन कौन से आते हैं, एक हमारा करंट फॉलो है कि आप उसको कल्टीवेशन के लिए आप छोड़े ही नहीं हो, लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब आप कल्टीवेशन के लिए लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, यानी क्या आप एक आप कोई एग्रीकल्चर कोई भी क्रॉप सोन किए उगाए फिर उसके बाद उसको एक टाइम के लिए छोड़े फिर अगले नेक्स्ट टाइम पे आप उसको यूज करें, उसे हम कौन सा लैंड बोलेंगे, करेंट फॉलो। प्लस अदर करेंट फॉलो लैंड कौन कौन से होते हैं, जो 1 से 5 साल तक उसको हम छोड़ देते हैं अनकल्टीवेटेड के लिए दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ हमारा जो पांचवा है वो नेट सोन एरिया है, जो हमारा कि हमारे ऐसे जो लैंड के रीजन जहाँ पे हम क्रॉप को क्या करते हैं, सोन करते हैं, और उसको हम इस तरीके से हमारा क्रॉप उगता है फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया। फिर जो एरिया हमारा ऐसा भी होता है, एरिया सोन मोर देन वंस, कि अगर एरिया ऐसा भी है जो कि एक ही साल में एग्रीकल्चर ईयर में एक बार से अधिक बार वहाँ पे सोन किया गया, वहाँ पे बोया गया, जो भी क्रॉप होते हैं, जो भी हमारे सीड्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब हम बात करें लैंड यूज पैटर्न का, कैसे हमारे जो कैसे हमारे इंडिया के अंदर कैसे कैसे लैंड वहाँ पे यूज होते हैं दोस्तों। तो लैंड हमारे जो यूज ऑफ द लैंड है वो फिजिकल फैक्टर जैसे किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, फिजिकल फैक्टर पे जैसे हमारे टोपोग्राफी हो गए, क्लाइमेट हो गए, किस तरीके का सॉइल ट्राई टाइप हो गया, ये हमारे क्या है फिजिकल फैक्टर है। प्लस ह्यूमन फैक्टर के अंदर कौन कौन से आते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी कितना है, कल्चर और ट्रेडिशन में हमारे कितने लैंड यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि हमारा जो 1960 से 61 के बीच में जब हमारा किया गया था तो वहां पे देखिए ये हमारे कितने हैं, 45.26% हमारे कौन से एरिया हैं, नेट सोन एरिया थे। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों जो 18.11% हमारे फॉरेस्ट एरिया थे, बैरन हमारे एरिया कौन कौन से थे,
12.01% थे। प्लस उसके साथ साथ हमारे कुछ ऐसे भी रीजन थे जो कि एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर एरिया यूजेस, वो हमारे 4.95% थे। प्लस कुछ ऐसे भी एरिया थे जो हमारा कुछ ऐसे भी जो एरिया थे जिसके अंदर हमारा ट्री क्रॉप या ग्रुप्स हो गए, वो भी हमारे उसके अंडर कौन कितने परसेंट थे, 3.50%। अब हम बात करें अगर डेटा 2014-15 का, तो उस समय हमारे कितने लैंड थे, जो हमारे नेट जोन एरिया थे वो तो हमारे 40 पॉइंट, यानी आप देख रहे हैं कि नेट जोन एरिया में हमारा उतना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं आया है, बल्कि हमारा जो माउंटेनियस जो हमारा फॉरेस्ट रीजन है वो भी हमारा कहीं ना कहीं और क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं वहां पे क्या है, बैरन लैंड भी हमारे क्या हुए, वो भी हमारे कंपेरेबल में कम हुए हैं। लेकिन हमारे जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस वाले हैं वो भी हमारे क्या है, इंक्रीज हुए हैं। तो ये आप डेटा को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से हमारे करेंट फॉलो लैंड है, कौन से हमारे फॉलो अदर लैंड करेंट है, कौन से हमारे कल्चरेबल वेस्ट लैंड है। तो ये सारे इसके एस्पेक्ट के बारे में पता चलता है। तो यही चीज देखिए इसके अंदर, ये सारा कुछ इसी के अंदर लिखा है कि टोटल जियोग्राफिकल जो हमारे लैंड है वो कितने हैं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो कि हमारे लैंड वहां पे यूज होते हैं, किस लिए, लैंड सोइंग जो हमारा वहां पे क्रॉप उगता है। प्लस उसके साथ साथ 93% ऑफ जो टोटल हमारे जियोग्राफिकल एरिया है वही हम यूज कर पाते हैं, क्योंकि कुछ रीजन ऐसे भी हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले हैं पर आसाम को छोड़ के वहाँ पे प्रॉपर फुल्ली रिपोर्टिंग नहीं किया गया। प्लस उसके साथ साथ जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर है पाकिस्तान और चाइना के द्वारा जो ऑक्यूपाइड है वो भी हमारा सर्वे में नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा लैंड है, कुछ ऐसे भी लैंड होते हैं जो परमानेंट पास्चर के लिए क्या होते हैं, वो हमारे डिक्रीज हुए हैं, तो उनको हमको क्या करना होगा, फीड करने का, वापस फीड करने का हमको काफ़ी हद तक ज़रूरत है। तो ऐसे भी हमारे कुछ देखिए यहाँ पे जैसे रिपोर्ट लिखा है, द पैटर्न्स नेट सोन एरियाज वेरी ग्रेटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सही बात है, जो हमारे नेट सोन एरिया है वो भी हमारे क्या है, पैटर्न उनके क्या है, वेरी करते हैं। जैसे हम पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हमारे वेस्टर्न यूपी हो गए, वहाँ पे 80% से भी अधिक वहाँ पे क्या है, लैंड जो हमारे कल्टिवेबल एरिया है यानी वहाँ पे हमारा सिंचाई होता है। लेकिन वही बात करें आसाम का, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, वहाँ 10% से भी कम एरिया को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। और यही रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या है, नेट जोन हो रही है वहां पे होने का, पॉपुलेशन हो गया, प्लस वहां पे क्लाइमेट चेंज वाला भी ऑप्शन आ गया, प्लस फेवरेबल क्लाइमेट चेंज वहां पे नहीं अवेलेबल है, वो भी हमारा क्या है, एक इशू है दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पे देखिए कि फॉरेस्ट एरिया इन अ कंट्री इज फार लोअर देन डिजायर्ड, कि हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी हमारे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। जो हमारे जियोग्राफिकल एरिया है उनका भी हमारा क्या है, डिक्लाइन नजर होते हुए आ रहा है। तो ये सारे रीजन है जिसके कारण हमारे जो वेस्ट लैंड है वो भी हमारे टर्म, कई सारे ऐसे भी रीजन होते हैं जो हमारे लैंड यूज यूटिलाइज में नहीं आते हैं, प्लस ऐसे लैंड जो कि हमारे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में हम भी उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब वेस्ट लैंड में हमारे कौन कौन से आते हैं, जो रॉकी लैंड आ गए, एरिड लैंड आ गए, डिजर्ट एरियाज आ गए, ये सारे हमारे वेस्ट लैंड के अंदर आएंगे। वहीं हमारा अगर नॉन एग्रीकल्चर पुट अदर वहां पे बात करें, जो हमारे रोड्स बन रहे हैं, जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, इंडस्ट्री बन रहे हैं, ये सारे कुछ हमारे कहां पर आएंगे, नॉन एग्रीकल्चर लैंड में आएंगे दोस्तों। तो ये आपको कैसे भी आपको यूटिलाइज करना होगा, अपने दिमाग से सोचना होगा कि कौन किस किस तरीके से कौन कौन सा लैंड हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। प्लस उसके साथ साथ अगर बात करें कॉन्सेप्ट है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर का, तो इसके अंदर क्या है दोस्तों कि हमारा जो डेटा है लैंड का, जो डेटा है हमारा पास्ट जनरेशन के बारे में बात करता है। 95% ऑफ द अवर बेसिक नीड ऑफ फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड। जो हमारे लैंड से जितने भी फूड हो गए, शेल्टर हो गए, क्लोथिंग हो गए, ये सारे कुछ हमारे 95% ऑफ जितने भी हमारे नीड हैं वो हमारे लैंड से आ रहे हैं। प्लस उसके साथ साथ जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो केवल डिग्रेडेशन ऑफ लैंड के लिए ही नहीं, बल्कि कई सारे ऐसे भी हैं जो हमारे नेचुरल फोर्सेस को क्या कर रहे हैं, वो डैमेज कर रहे हैं, कि कैसे हम लैंड को यूटिलाइज कर सकें, कैसे हम लैंड को ओवर एक्सप्लॉयट कर सकें, जिसके कारण हमको कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन देने
देखने का अधिक हमको देखने का संभावना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी जैसे हमारे डिफॉरेस्टेशन हो गए, ओवर ग्रेजिंग हो गए, माइनिंग कई सारे खदाने हो गए, प्लस उसके बाद जो हमारे ओवर कंट्रीब्यूटेड जो हमारे होते हैं वो सारे कुछ हमारे लैंड डिग्रेडेशन में आते हैं। लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या है दोस्तों, कि हमारा जो लैंड है उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उसका ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, फिर उसको बाद में वेस्ट लैंड की तरह हो जा रहा है, जिसको हम अधिकतर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, वहां पे क्या हो डिफॉरेस्टेशन अधिक हो रहे हैं, वहां पे जंगल खत्म हो रहे हैं, जिसके कारण हमको कहीं ना कहीं उससे क्या हमको नजर आ रहा है कि लैंड का हमारा डिग्रेडेशन होते हुए नजर आ रहा है। वहीं पे हमारे कुछ एरिया जैसे कौन से गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे क्या हो रहा है ओवर ग्रेजिंग होने के कारण हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है। वहीं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे इरीगेशन काफी तक ज्यादा है, ओवर इरीगेशन हो रहा है, वाटर का रिसोर्सेस काफी हद तक इंक्रीज वहां पे क्या हो रहा है यूज हो रहा है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं सैलिनिटी, अल्कलिनिटी ऑफ सॉइल क्या हो रहे हैं हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके कारण आप कह सकते हैं कि जो आप यहाँ पे यूज किए हैं, हाँ, तो उसके बाद हमारा क्या था कि जितने भी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जितने भी हमारे यहाँ पे हैं ओवर इरिगेशन के कारण हमको क्या वाटर हम यहाँ पे अधिक यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हमको सैलिनिटी और अल्कलिनिटी भी हमारे जो सॉयल में है वो हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। तो ये कई सारे रीजन है जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे क्या हो रहे हैं रिटार्ड हो रहे हैं, मतलब हमारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। उसके साथ साथ जब वाटर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो हमारा जो सॉयल है वो भी हमारा कहीं ना कहीं उसके वजह से टार्ड हो रहा है। तो कई सारे जैसे प्लस उसके साथ साथ कई सारे और रीजन है जो इंडस्ट्रियल इफलगेंट है, जो इंडस्ट्रियल के वेस्ट होते हैं वो हमारे लैंड को कहीं ना कहीं हमारे क्या कर रहे हैं पॉल्यूट कर रहे हैं, जिसके वजह से हमको देखने को मिलता है क्या, जिसके वजह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन होने का संभावना है। प्लस यहाँ पे आप बात करें, अब देखिए हमारा टॉपिक है क्या, सॉयल एज ए रिसोर्सेज। आपको पता है कि सॉयल सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसी के थ्रू हमारा जो प्लांट का ग्रोथ होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो अर्थ पे रह रहे हैं उनको भी क्या करता है ये सपोर्ट करता है। कई सारे मिलियंस ईयर हमारा सॉयल का फॉर्मेशन काफी हद तक क्या है काफी क्रिटिकल है। सॉयल हमारा एक लिविंग सिस्टम की तरह है जिसमें हमको ये हमारा इसका जो सॉयल का ग्रोथ है दोस्तों, जो सॉयल का ग्रोथ है वो काफी हद तक इसका क्या है टाइम टेकिंग है, टाइम ड्यूरेशन है। उसके कारण कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है क्या कि उसके कारण हमारा जो सॉयल का जो आप अगर अधिक यूज करोगे उसका ग्रोथ कम होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सॉयल भी है वो भी हमारा क्या हो रहा है इफेक्टिव वे में नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हमारा क्या है कहीं ना कहीं फ्यू सेंटीमीटर उसको डेप्थ को इंक्रीज करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं सॉयल को, लेकिन यहाँ पे आजकल के रिसोर्सेज जो ह्यूमन है वो काफी हद तक ओवर यूटिलाइज करके सॉयल को भी हमारे क्या कर रहे हैं पॉल्यूट कर दे रहे हैं। तो अब कई सारे वेरियस फोर्सेस हैं जो हमारे नेचर ऑफ सॉइल को कैसे चेंज करते हैं, टेम्परेचर हो गए, रनिंग वाटर हो गए, ग्लेशियर एक्टिविटीज हो गए, जो डिकम्पोजर डाल रहे हैं वो सारे कुछ हमारे क्या करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में हेल्प करते हैं, पता करते हैं कि कैसे हमारा जो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस हैं कैसे उसके अंदर हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉइल के प्रोफाइल हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल, सब स्ट्रेटम वेदर पैटर्न, पेरेंट रॉक सॉइल, और ये हमारा अनवेदरिंग पैटर्न पेरेंट बेड रॉक है। तो वही चीज़ देखिए इसमें लिखा है जी, हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल का यहाँ पे किया गया है, क्लासिफिकेशन हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल हैं। पहला कौन सा सॉयल है हमारा, पहला हमारा सॉयल है एलिवियल सॉयल। एलिवियल सॉयल हमारा क्या होता है दोस्तों, एलिवियल सॉयल जैसे कि आप पहले फिगर में देख सकते हैं ये हमारा क्या है एलिवियल सॉयल। एलिवियल सॉयल के दोस्तों अधिकतर हमारे क्या होते हैं हिमालय रीजन में मिलते हैं, हिमालयन रिवन बीवर में मिलते हैं, जैसे जो इंडस हो गए, गंगा हो गए, ब्रह्मपुत्र हो गए, यहाँ पे सारे हमारे कौन से सॉयल मिलते हैं, वो सॉयल हमारे एलुवियल सॉयल मिलते हैं दोस्तों। और ये अधिकतर हमारे जो नदन प्लेन है, जो हमारे नदन प्लेन में यहाँ पे भी हमको क्या मिलता है एलुवियल सॉयल मिलता है दोस्तों। और ये सॉयल हम उनको क्या करते हैं, ये सॉयल हमारे राजस्थान, गुजरात में भी हमारे क्या नैरो कॉरिडोर में वहाँ पे क्या करते हैं वहाँ पे भी एक्सटेंड करते हैं। और इनके जो कोस्टल प्लेन्स हैं जैसे गोदावरी हो गए, महानदी हो गए, कृष्णा हो गए, कावेरी रिवर हो गए दोस्तों, एलुवियल जो सॉयल है दोस्तों उनके भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन है।
वहाँ पे डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ सैल्ट मिलेंगे, सिल्ट मिलेंगे, क्ले मिलेंगे। जैसे जैसे हम इनलैंड की तरफ, रिवर वैली की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जो इनके साइज़ हैं वो क्या होते जाएंगे, बिगर होते जाएंगे। और ये हमारे कहीं ना कहीं जो रिवर वैली तरफ भी पहुँचते हैं, ये हमारे जो इनका स्लोप है वो अधिकतर हमारे सॉयल के कोर्सेस की तरह होता है। जैसे आप काम कॉमन तरीके से देख सकते हैं, द्वार हो गया, कोज हो गया और तेराई रीजन हो गया दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम इसके बाद भी दोस्तों हमारे जो जो एलुवियल सॉयल है उसको हम दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं। पहला तो हमारा क्या है, ओल्ड एलुवियल सॉयल, और दूसरा हमारा न्यू एलुवियल सॉयल। ओल्ड एलुवियल सॉयल में हमारे भंगार आएंगे, न्यू एलुवियल में हमारे खदार आएंगे। और जो हमारे बंगाल सॉयल होंगे उनके पास क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़, यानी स्मॉल स्टोन का उनके पास काफ़ी हाई नोड्यूल्स होंगे। किसके कंपेरिजन में, खदार के कंपेरिजन में। इट हैज़ मोर फाइन आर्टिकल, इज मोर फर्टाइल देन बंगाल, जो बंगाल से भी अधिक होंगे हमारे इसके अंदर दोस्तों। लेकिन बात करें अगर फर्टिलिटी का, तो फर्टिलिटी भी हमारा क्या होगा, खादर का अधिक होगा दोस्तों। फर्टिलिटी हमारा खादर बंगाल से अधिक फर्टाइल होगा दोस्तों। एलुवियल सॉइल क्या होता है, एलुवियल सॉइल जिसके अंदर हमारा क्या है, कई सारे केमिकल कंपोनेंट जैसे पोटास हो गए, फॉस्फोरिक एसिड हो गए, लाइम हो गया, वो इसी के अंदर हमारे एलुवियल सॉइल के अंदर मिलते हैं, जो कि हमारे शुगर कैन हो गए या राइस हो गए या वेट हो गए उनको क्या करता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है दोस्तों। वहीं पर हमारा जो अगर बात करें ब्लैक सॉइल का, तो ब्लैक सॉइल हमारे क्या होते हैं, ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। प्लस इसके साथ साथ ये कॉटन के लिए क्या करता है, काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल से भी बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हमारे कॉटन के लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल है दोस्तों। प्लस इसका इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मेशन होता है वो पेरेंट रॉक मटेरियल से ही होता है दोस्तों, कि हमारा जो पेरेंट रॉक मटेरियल इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कैसे ब्लैक सॉइल का हम क्या करें, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होगा। प्लस इसके अंदर भी हम देखें कि इसके अंदर डेकन बस ट्रैप भी, इसके जो रीजन है बसाल्टिक रीजन है वो उसके अंदर थ्रू स्प्रेड किया गया है। डेक्कन प्लेट्यू के अंदर भी स्प्रेड है दोस्तों। ये हमारा अधिकतर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन यहाँ पे रीजन पे हमारा क्या है, वहाँ पे ये स्प्रेड है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक सॉयल का फिगर। ब्लैक सॉयल जो जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, जिसका फॉर्मेशन है वो होता है एक्सट्रीमली क्लेई मटेरियल का होता है, जिसके पास कैपेसिटी होता है कि कैसे वो मॉइस्चर को होल्ड करे। प्लस उसके साथ साथ इसके अंदर कैल्शियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम इसके अंदर एफिशिएंट वे में प्रेजेंट होता है। प्लस यहाँ पे आप रीजन देख सकते हैं कि कैसे हमारा ये जो सॉयल का क्लासिफिकेशन है वो डिराइव है। तो फॉरेस्ट वाले जो माउंटेन है वो हमारे नदन पार्ट में हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, हमारे J&K हो गए, उत्तराखंड हो गए, वहाँ पे हमारे अधिकतर फॉरेस्ट सॉयल आपको देखने को मिलेंगे। वहीं हम आप देख सकते हैं एलुवियल सॉयल जो भी हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गए, और हमारे यहाँ पे कुछ साइड राजस्थान में भी हो गए हमारे, और कुछ साइड हिमाचल प्रदेश में भी हो गए, वहाँ पे आपको कौन से सॉयल मिलेंगे, एलुवियल सॉयल मिलेंगे। प्लस उसके साथ साथ ब्लैक सॉइल आप देख सकते हैं इस वाले रीजन में हमको मिलेंगे, प्लस रेड एंड येलो सॉइल हमको दोस्तों यहाँ पे आप रीजन देख सकते हैं। तो ये रीजन आइडेंटिफाई भी करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में हमारे जितने हैं रेड एंड येलो सॉइल हैं, ये हमारे जो क्लासिफिकेशन है। तो आपको सॉइल का टाइप हमारा याद करना होगा कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन टाइप है, एलुवियल सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, एरिड सॉइल है। तो इसी के अंदर देखिए ये हमारा सारा कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि सॉयल जो कि रेड एंड येलो सॉयल का अगर बात करें हम दोस्तों, तो रेड एंड येलो सॉयल क्या होता है, वो रेड एंड येलो सॉयल हमारा क्या होता है, वो हमारा क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बना होता है, जिसके अंदर लो रेनफॉल होते हैं, ईस्टर्न रीजन के अंदर मिलते हैं, अभी हमने डायग्राम में देखा। प्लस इसके अंदर जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट हो गए उसके अंदर भी हमारा ये मिलता है। प्लस गंगेटिक प्लेन के अंदर भी मिलता है, वेस्टर्न घाट के अंदर भी मिलता है हमारा। इसका कलर जो होता है वो हमारा रेडिश कलर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरन का डिफ्यूजन होता है, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक इसके अंदर होता है, इसलिए इसका जो कलर होता है वो हमको थोड़ा रेडिश कलर मिलता है। और इसका जो येलो देखने को कभी कभी हाइड्रेटेड जब पानी से भीग जाता है तो येलो कलर भी हमको देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेड एंड येल्लो सॉयल। प्लस उसके बाद हम बात करें अब हमारा जो है लेटराइट सॉयल है।
लेटराइट सॉइल में क्या होता है दोस्तों, लेटराइट सॉइल जो हमको जो कि डिफाइंड वर्ड्स क्या लेटर्स है जिसका मतलब क्या है ब्रिक। लेटराइट सॉइल जो ऐसे हमारे जो डेवलप होता है जो कि ट्रॉपिकल रीजन सब ट्रॉपिकल रीजन में हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में हमारे क्या होते हैं ये डेवलप होते हैं, जो कि अधिकतर हमारा इन सॉइल का जो पीएच वैल्यू होता है वो हमारा लेस देन 6.0 होता है, यानी क्या ये एसिडिक नेचर का होता है। ये हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देने में हेल्प करते हैं, और ये प्लांट हमारे जो ये हमारे सॉयल हैं वो हमारे वेस्टर्न घाट रीजन जैसे महाराष्ट्र उड़ीसा इन सारे रीजन में हमको देखने को मिलता है, जो कि हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है डेसीडुअस एंड ईवरग्रीन फॉरेस्ट को कि कैसे जो हमारा ह्यूमस है उसको रिच कैसे हम कर सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों हम बात करें अगर एरिड सॉइल, तो एरिड सॉइल आपको पता है कि इसका कलर क्या होता है रेड से ब्राउन कलर में होता है। प्लस उसके साथ साथ ये सैंडी नेचर या इसका बलुई मिट्टी हम इसे कहते हैं, जो कि सहलाइन आपस में क्या होता है नेचर में होता है, और ये अधिकतर हमको कहाँ पर मिलता है राजस्थान वाले एरिया में मिलता है। और इसका जो कॉमन फीचर्स है इसके पास हाई टेम्परेचर, इवापोरेशन इसका फास्टर होता है, और इसका जो सॉइल का जो ह्यूमस है इसके अंदर ह्यूमस और मॉइस्चर नहीं होते हैं। प्लस उसके साथ साथ जो इसका सॉयल का होरिजन होता है वो हमारा कनकर के ग्रुप में मिलता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा कैल्शियम कंटेंट काफ़ी हद तक ज़्यादा है, तो जो कंकर लेयर फॉर्मेशन होता है या जो आप कह सकते हैं बॉटम ऑफ द जो हमारा बॉटम रीजन होता है वो काफ़ी हद तक क्या है इनफिल्ट्रेशन है प्रोसेस, वहाँ पर हमको जल्दी मिलता नहीं है क्योंकि वहाँ पर वाटर का भी कहीं ना कहीं शॉर्टेज हमको नज़र आता है, इसलिए कहीं ना कहीं इसका जो हमारा क्या इरीगेशन भी काफ़ी हमको कम देखने को मिलता है। प्लस उसके साथ साथ बात करें फॉरेस्ट सॉयल, तो फॉरेस्ट सॉयल आपको पता है कि जैसे हिली एरियाज में हमारे हो गए या माउंटेनियस रीजन में हो गए जहाँ पे सफिशियंट रेन होते हैं वहीं पे हमको फॉरेस्ट सॉयल देखने को मिलता है। प्लस उसके साथ साथ जो हमको ये सॉयल का जो टेक्सचर है ये माउंटेन इन्वायरमेंट में हमको देखने को मिलता है। प्लस इसके साथ साथ जो हमारा ये क्या है ये लोमी एंड सिल्टी भी हमारा वैली साइड में हमको देखने को मिलता है। प्लस उसके साथ साथ जो आपको अधिकतर यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में क्या है स्लोपिंग रीजन है वो हमारा क्या है वो स्नो कवर्ड वाले भी रीजन में हमारे क्या होते हैं फॉरेस्ट सॉयल होते हैं, यानी स्नो एरिया में जैसे लद्दाख एरिया में भी हो गए वहां पे भी हमको अधिकतर फॉरेस्ट सॉयल देखने को मिलता है दोस्तों। अब ये देखिए हमारे क्या है सॉइल इरोजन, अब सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है दोस्तों, जब आप सॉइल जो ऊपरी परत है सॉइल का वो डेनिड्रेट हो जाए यानी ख़त्म हो जाए, यानी उसका जो सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन जो हमारा ऊपर वाला लेयर है सॉइल का वो वाश्ड हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं सॉइल इरोजन। यानी आप क्या कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन गो साइमल्टेनियसली एंड जनरली इन बैलेंस बिटवीन ऑफ टू। अब ये जो हमारा कभी सॉइल इरोज होता है कभी फॉर्म होता है, पहले क्या होता है इरोड होता है फिन फॉर्म होता है फिन इरोड फिन फॉर्म, ऐसे हमारे प्रोसेस क्या होते हैं चलते जाते हैं, तो ये हमारा क्या है ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूसली चलता रहता है। इन दोनों के बीच ये आखिर में हमारा सॉइल इरोजन होता है क्यों, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होने के कारण क्या होता है जो हमारा पेड़ होता है वो क्या किया रहता है जो हमारे सॉयल होते हैं उनको जकड़ा रहता है आपस में, लेकिन जो हमारा डिफॉरेस्टेशन होने के कारण जो सॉयल का जो हमारा क्या है इकट्ठा एक जगह होना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हमारा कहीं ना कहीं सॉयल इरोजन देखने को मिलता है। प्लस ओवरग्रेजिंग हो गए कंस्ट्रक्शन हो गए माइनिंग हो गए इन सारे कारण के कारण भी हमको देखने को मिलता है सॉयल इरोजन दोस्तों। और कुछ नेचुरल फोर्सेस हैं जैसे विंड हो गए ग्लेशियर हो गए वाटरलेट जितने भी हमारे हो गए ये सारे कुछ हमको कहीं ना कहीं सॉयल इरोजन देखने को मिलता है। प्लस उसके साथ आप दोस्तों जो हमारे रनिंग वाटर होते हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे गुल्लीज फॉर्म हुआ है, यानी यहाँ पे क्या हुआ रनिंग वाटर के थ्रू हमारे क्या हुए जो हमारे यहाँ पे मिट्टी थे वो क्या हो गए यहाँ से क्या हो गए यहाँ से ये उठ हट गए, तो इसके कारण कहीं ना कहीं हमारा जो सॉयल गुलीज हमको देखने को मिलता है सॉयल इरोड हो गया, तो ये सारे एस्पेक्ट। और उसी सॉयल गुलीज को हम क्या करते हैं जो कि हमारे कल्टिवेशन के लिए फिट नहीं है उसी को हम क्या बोलते हैं बैड लैंड बोलते हैं। ये अधिकतर हमको क्या किस रीजन मिलते हैं चंबल रीजन में मिलते हैं, इस लैंड को हम क्या बोलते हैं रेवाइंस लैंड भी बोलते हैं। और समटाइम इसके जो वाटर फ्लो हैं दोस्तों उनके कारण भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये डायग्राम है यहाँ पे वाटर फ्लो के कारण क्या हुआ है यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, प्लस उसके कारण क्या हुआ है हमारा जो यहाँ पे मिट्टी है वो भी हमारे क्या हो गए वो भी हमारे इरोड हो गए, यानी इरोजन यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है। अब बात करें हम आप यहाँ पे टॉपिक है
कि कैसे हम सॉइल को, जो इरोजन है उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। तो दो दो तरीके हैं, एक तो हमारा कंटूर प्लॉगिंग है। कंटूर प्लॉगिंग हमारा क्या होता है, जहाँ पे हम कंटूर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, अपने ट्रैक्टर में हो गए, वहाँ पे स्टेप टू स्टेप हमारे जो होते हैं उनको हम परफॉर्म करते हैं। वहीं हमारा टेरेस कल्टिवेशन भी है, टेरेस कल्टिवेशन जो होता है वो भी इरोजन को रेस्ट्रिक्ट करता है। ये अधिकतर हमारा क्या हिमालयस वाले रीजन में भी हमको देखने को मिलता है। अब कंटूर प्लॉगिंग में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे आप वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हो ट्रैक्टर के अंदर, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपको ग्रेज करता है जो भी आपका सॉयल का है, प्लस उसके साथ साथ जो हमारा टेरेस कल्टीवेशन होता है वो भी हमारा क्या होता है इसी के अंदर होता है। जिसके अंदर हमारा टेरेस कल्टीवेशन में क्या होता है हमारा दोस्तों, जो टेरेस कल्टीवेशन के अंदर हमारा जो इन्वायरमेंट, तो हम अपने जो सॉयल इरोजन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा टेरेस फार्मिंग है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो सॉयल इरोजन के प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, सॉयल इरोजन के प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ टेरेस फार्मिंग में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लार्ज जो फील्ड होते हैं उनको हम स्ट्रिप में डिवाइड कर होते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिप, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिप में हमारे क्या है डिवाइड हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा स्ट्रिप ऑफ ग्रासेज होते हैं उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, उसके अंदर सोन होते हैं, जिसके कारण जो यहाँ पे मिट्टी होता है वो क्या होता है, वो हमारा टाइटली क्या होता है वहीं पे रह जाता है। इसके कारण हमारा जो जो इरोजन है वो हमारा जल्दी नहीं होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग इसी रीजन को हम बोलते हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो करता है, ये हमारा जो ट्रीज होते हैं इनके रो में लगे होते हैं जिसे हम शेल्टर बेल्ट बोलते हैं दोस्तों, ये सारे प्रोसेस हैं जो हमारा क्या होते हैं, जो हमारे सॉयल इरोजन को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, सॉयल इरोजन को कम कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था दोस्तों, क्या जो हमारा चैप्टर 1 था, कौन किस कौन सा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि क्लास 10 के हमारे जियोग्राफी के चैप्टर 1 है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर से इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर आप चैनल को कर लीजिए, और वीडियो को फुल देखिएगा और प्लस उसके साथ साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था हमारा चैप्टर 1 का। थैंक यू, जय हिंद।